in the Super Over. Comes and bowls. Now goes down the track, smiles it beautifully. It's all the way for a six. एक रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और इस बार बढ़िया शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घ में, अभी भी गेंद हवा में। तो इश्तियाक नाग, काफी फैन फॉलोइंग है आपकी वैली में। बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों का। और एंडरसन की बॉल पे दो जरूर ऐसी शॉर्ट पिच बाउंसर डाली थी आपको और लगातार आप चाहते थे कि एक नो बॉल यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी से शुरुआत की थी एंडरसन ने। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो एक हिट ही चाहिए थी, मैं तो वेट कर रहा था बॉल का, जो बॉल मिलेगी रडार में वो छक्का मारूंगा। और मुझे बताया कि आपके पास जो पावर हिटिंग है कहाँ से सीख लिया आपने? बिल्कुल नेचुरल है। और बिल्कुल आप सहवाग, मुझे ज्यादातर याद आते इमरान नजीर की, जब आप खेलती हो इमरान नजीर इसी टाइप का बैट्समैन थे जो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे, और जब आप हिटिंग करते हो ना वहां पर हजारों की तादाद में लाइव मैच देखने के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल, मैं अपने फैनों का शुक्रगुजार हूं जो मेरे लिए अपना टाइम निकालते हैं, मेरा मैच देखते हैं, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपको क्या लग रहा था, गेंदबाजी भी आपने की, बल्लेबाजी भी आपने की, और वाकई वाकई में आप हीरो हैं? बिल्कुल, मैं कैप्टन का शुक्रगुजार जिसने मेरे पे भरोसा जताया, मुझे बॉलिंग भी दी बैटिंग भी दी, तो मैं ये कैप्टन को क्रेडिट जाता है। और अगर देखेंगे ना, आप साउथ कश्मीर से जरूर बिलोंग करती हो, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द कश्मीर डिवीजन, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हो, खासकर हमारे जो बारामूला के आकिब साहब है, जहांगीर लोन है, बाकी जितने स्टार्स है, मुझे लगता है कि काफी जबरदस्त दोस्ताना माहौल है साउथ और नॉर्थ कश्मीर के बीच। बिल्कुल, जहांगीर लोन तो अपने भाई जैसा है, वो तो अपने छोटे भाई जैसा है। बिल्कुल, हमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ नॉर्थ में ही ज्यादा, क्योंकि प्यार ज्यादा नॉर्थ में ही मिलता है। और आपने जब बैटिंग की थी काफी कोलैप्स हुआ मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर का, तो कैसी चिंता रही वहाँ पर ड्रेसिंग रूम जो आपका रहा वहाँ? बिल्कुल, पहले तो बहुत टफ खेलना था क्योंकि बॉल सही नहीं आ रही थी, स्लो आ रही थी और बाउंस हो रही थी, तो बाद में फिर जब बारिश हुई तो विकेट थोड़ा ठीक हुआ। और अगर बात करेंगे सुपर ओवर की, तो आपको कैसा लग रहा था, किस तरीके का डिसीजन था ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, क्योंकि फैंस भी चाहते थे मैच हो जाए, लेकिन ऐसा डिसीजन एंड में लेना जिससे फैंस भी खुश हो गए और दोनों टीमें खुश हो गई, तो आपको क्या पर्सनली लग रहा था? बिल्कुल, ये अपने ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का अपना डिसीजन होता है, जो वो ले ले तो उनको अपनी मर्जी है, उनने अपने डिसीजन लिया तो हमें ठीक, जो उनको ठीक लगा तो वो उनने किया। तो आपने कुछ मैचेस मुश्ताक अली में भी खेले हैं, तो कैसी जर्नी रही और कैसी प्रिपरेशन रहेगी यहाँ पर जेकेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल यार, मैंने बहुत पहले खेला, तब मैं थोड़ा मतलब क्या बोलूं, इनएक्सपीरियंस था, तो अब अगर चांस मिलेगा तो मैं अपनी तरफ से कोशिश बेस्ट करूंगा खेलने की। तो ऐसे में एक क्रिकेटर को, एक बैट्समैन की बात अगर करेंगे, तो अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपको तो फिटनेस पे ध्यान देनी है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, जिम सबसे बेस्ट है फिटनेस के लिए। और आप किसका बैट होल्ड करते हो, कैसा है किसका ये बैट? बिल्कुल अनलिमिटेड, अनस्टॉपेबल है, किस अपना किस बस। एंड इश्तियाक नाग एंड यू आर ऑल्सो अनस्टॉपेबल।